दोस्तों, गवर्नमेंट ने आप सभी के लिए एक ऐसे एप्लीकेशन को लॉन्च कर रखा है जिसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को आज भी पता नहीं है और ये एप्लीकेशन भारत के सभी लोगों के फ़ोन में होना ज़रूरी है, जिसका नाम है डीजी लॉकर। ये एप्लीकेशन गवर्नमेंट का खुद का है जिसका पूरा रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। आप इस एप्लीकेशन में अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th-12th की मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, यानी कि अपना डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट से बनाए जाते हैं, वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप इस एप्लीकेशन में इशू करके रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को मोबाइल से फोटो क्लिक करके भी तो रख सकते हैं, लेकिन जो आप वो फोटो क्लिक करके रखते हैं वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं माना जाता, लेकिन इस एप्लीकेशन में रखा हुआ डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल माना जाता है, जिसे आप फिजिकल के लिए भी कहीं भी दे सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसे लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि इस एप्लीकेशन में रखा हुआ हर एक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल माना जाता है। अगर आपके पास में फिजिकली तौर पर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अपने फोन में डिजी लॉकर में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं और डिजी लॉकर में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स को कोई लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट रखा जाता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से वेरीफाइड होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि डिजी लॉकर एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करते हैं, इसमें अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे इशू करके रख सकते हैं। कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर इस पसीने की कीमत समझ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, हो सके तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, वरना फिर मिलेंगे ऐसे ही स्लाइड करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है और फिर यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है, तो आपके सामने सर्च बार आ जाएगा। आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है डीजी लॉकर, इतना लिखकर जिसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट में ही डीजी लॉकर नाम की एप्लीकेशन आ जाएगी, जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये इंडिया गवर्नमेंट का खुद का एप्लीकेशन है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इसे पहले से अपने फोन में इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। आप पहले से यहाँ से अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ से ओपन करेंगे। जिसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपको इस एप्लीकेशन का होम पेज इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 303 मिलियन लोग इसका यूज कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड यूजर हैं, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। तो इसका यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इस पर अपना एक अकाउंट बनाना होता है। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपका पहले से इस पर अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ से डायरेक्ट साइन इन भी कर सकते हैं, या फिर आप नए यूजर हैं तो यहाँ से क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले अपना फुल नेम डालेंगे, तो आप यहाँ पर अपना वो वाला नेम डालें जो नेम आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, सेम वही नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जैसे कि सबसे पहले यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ से अपना जेंडर चूज करेंगे, मेल फीमेल आप जो भी हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद में यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डाल सकते हैं वरना इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अपना 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन बनाएंगे, तो आप अपने हिसाब से कोई भी 6 डिजिट की संख्या यहाँ पर टाइप कर लेंगे जो आपको याद रह सके, क्योंकि आप जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपसे वो 6 डिजिट की संख्या आपसे मांगी जाएगी। उसके बाद में ही एप्लीकेशन ओपन होगा, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी स्ट्रॉन्ग 6 डिजिट का एम पिन डाल लेंगे। तो इस तरीके से डिटेल्स कंप्लीट फिल कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर डालेंगे और फिर यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपके सामने नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और फिर यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ आपका जो वाला मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो हमारे पास में ओटीपी आ चुका है, हम उस ओटीपी को यहाँ डालेंगे और फिर यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट डिजी लॉकर में सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है कि अकाउंट ऑलरेडी एक्सेस, यानी कि हमारा अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, हमने पहले हमारा अकाउंट बना लिया था, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी ये दिखा रहा है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट साइन इन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके सामने नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से मोबाइल नंबर से, यूजर नेम से या आधार नंबर से किसी से भी इस अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से ही इस पर लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे यहाँ पर अपना सिक्योरिटी पिन मांगेगा, तो आपने जो सिक्योरिटी पिन वहाँ पर बनाया था वो वाला पिन आप यहाँ पर डालेंगे और फिर साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके
मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो आप उस ओटीपी को यहाँ डालेंगे और फिर यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुली डिजी लॉकर में लॉगिन हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं, अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपने 10th 12th की मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को आप यहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमें अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे आधार वाले ऑप्शन पर, तो यहां पर हमारा आधार कार्ड आ जाएगा। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स हमने पहले से हमारे डिजी लॉकर अकाउंट में इशू कर रखे हैं, तो हम आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा आधार कार्ड ओपन हो जाएगा और अब आप इस आधार कार्ड को कहीं भी फिजिकल के लिए भी दिखा सकते हैं, कोई इसे लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑनलाइन गवर्नमेंट से वेरीफाइड होता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो डिजी लॉकर से बिल्कुल वेरीफाइड है। और आप चाहे तो यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके किसी के साथ शेयर कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। इसी तरीके से आप यहाँ से अपने और डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर रखा है, पैन कार्ड इशू कर रखा है, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट इशू कर रखा है। आप चाहे तो और भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सर्च पर क्लिक करके कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से इशू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिजी लॉकर में अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं इसका एक कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया है। अगर आप चाहते हैं कि डिजी लॉकर का एक कंप्लीट वीडियो हो, एक एक डॉक्यूमेंट्स में आपको इशू करके बताऊं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा। तो आई होप आज के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और आपके दिमाग में फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे भी ऐसी यूजफुल वीडियो मिल सके। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।